जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है, पर कहीं सर बेटी नहीं बच रही है। आज ये सारी लड़के जो खड़ी है ना, बस ये किस चक्कर में खड़ी है कि घर टूट रहे। ये उनके लिए ना रहने की जगह है, ना खाने की जगह है, ना पीने की जगह है। इनको बड़ा मकाम तेरे यहाँ है। प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं, हमारे घर नहीं उजाड़े। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर बनी बस्तियों को तोड़ने का आदेश आ गया है। ऐसे में अब इनमें रहने वाले परिवारों को डर इनके घरों को टूटने का बन गया है, क्योंकि नैनीताल हाई कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी कर दिया है। अब करीब 4000 से भी ज़्यादा घर तोड़े जाएंगे और करीब 70,000 लोग बेघर हो जाएंगे। मगर क्या जिनके घर तोड़े जाएंगे उनका पुनर्वसन होगा, इसका कुछ पता नहीं है। सड़कों पर इकट्ठा हुई ये वो भीड़ है जो अपने आशियाने को बचाने के लिए घर से निकले हैं। पूरी उम्र गुजर जाती है एक घर बनाने में और उसी घर को तोड़ने का फैसला आपके सामने हो तो यकीनन आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। और यही हो रहा है उत्तराखंड के हल्द्वानी में, जहां अपना अपना घर बचाने के लिए इस कड़ाके की ठंड में ठिठुरती हुई ये महिलाएं सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाएं ही नहीं, आंखों में आंसू और खुदा से दुआ मांगते हुए ये लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं कि शायद इनकी सिसकियां सुनकर हुकूमत का दिल पसीज जाए और इनके घर न तोड़े जाए। उनके लिए ना रहने की जगह है, ना खाने की जगह है, ना पीने की जगह है। कौन उनको बसाएगा अपने घरों में? कौन उनको जगह देगा अपने घरों में? इतनी बड़ी आवाम है। हमारे घर तोड़े जा रहे हैं और हमारा स्कूल भी तोड़ा जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे? हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर टूट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे? प्रधानमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं, हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग। हमारी जाते सीन ने हमारे कॉलेज और हमारे स्कूल, हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन ने हम उनको कहाँ लेके जाएंगे इतनी ठंड में? हम अपने घर छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो है, पर कहीं सर बेटी नहीं बच रही है। आज ये सारी लड़के जो खड़ी है ना, बस ये किस चक्कर में खड़ी है कि घर टूट रहे हैं? मतलब कोई हमारे मजहब की बेटी ऐसी नहीं कि इतने लोगों के सामने, इतने लोगों के आदमी के सामने कि बेटी आन के रोड पर बैठे। जो आज सिर्फ ही पहली कंडीशन है कि हम आज रोड पर आन के बैठ चुके हैं। आज जो मैं बोल रही हूँ ना, मेरे घर में अलाउ नहीं कि मैं किसी के सामने, इतने लोगों के सामने बैठ के बोलूँ। ये बस एक ही कारण है कि मेरे घर जो टूट रहे हैं, मुझे आज ये भी सामना करना पड़ रहा है। सवाल उठता है कि अगर इनके घर तोड़े जाएंगे तो ऐसे में इन्हें कौन देगा आशियाना? मगर अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी तरह से राजनीति कर रही हैं। जिन घरों को तोड़ा जाना है वहां अल्पसंख्यकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में MIM पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है, भारत के प्रधानमंत्री को इंसानियत दिखानी चाहिए और इन्हें बेघर नहीं करना चाहिए। एक बात सुनिए, जब दिल्ली में इल्लीगल कॉलोनीज को मोदी सरकार रेगुलाइज करती है, दिल्ली में चुनाव से पहले करती है, यहां पर 2016 में वही स्टेट गवर्नमेंट ने यह कहा कि यह स्टेट की प्रॉपर्टी है। आज वहां की उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि स्टेट की नहीं है प्रॉपर्टी। आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हैं, तो क्या हल्द्वानी में ये क्या इंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला वहां पर? वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है, और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। अब देखना ये होगा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में बने इन घरों को क्या कोर्ट के आदेश पर तोड़ दिया जाता है या फिर सरकार कोई अहम फैसला लेती है।